देखो, टू डिजिट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने, वैसे तो थ्री डिजिट प्रॉब्लम्स भी एक्चुअल में डिस्कशन किया है हम लोगों ने, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स द रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसका, और रिवर्स वाले रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू कितनी होती है, थ्री डिजिट टू डिजिट दोनों के लिए अपन ने किया है काम। बट हम लोग एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सेल शीट में तुम्हारे पास टू डिजिट प्रॉब्लम ही 10 मैंने निकाल के रखी है यहाँ पर। इसमें थ्री डिजिट प्रॉब्लम्स मैं कुछ, तुम मुझे बाद में याद दिला देना वो चीज, मैं तुम्हें कुछ और भी उसमें उससे रिलेटेड सवाल दे दूंगा। लेकिन अगर किसी को टू डिजिट सॉल्व करना आता है तो उसको थ्री डिजिट भी सॉल्व करना आता है, ठीक है क्या? जैसे इसमें कोई सा भी एक सवाल पिक करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उस चीज को तुम टैकल कैसे करोगे, ठीक है बात। जैसे यहाँ देखो, मान लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, लेट से एक सेवेंथ वाला सवाल ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, और एक हम लोग फिफ्थ वाला सवाल ले लेते हैं। ये दो मैं एज इलस्ट्रेशन लेकर तुमको दिखा देता हूँ कि उस चीज में काम कैसे करोगे तुम, ठीक है। उसको लिखने का तरीका पहले अच्छे ध्यान से सुन लो। एक टू डिजिट नंबर ऐसा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स वाले दो दो टाइप के हो गए, ठीक है क्या? सातवां हटा लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो बहुत हो गया, ये इसको ले लेते हैं, ये तो यार सभी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है क्या? सब में प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो है ही है। चलो फिर नाइन्थ वाला ले लेते हैं, ठीक है क्या? पांचवा और नौवा मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है क्या? तो अब देखो, एक टू डिजिट नंबर ऐसा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। अब मान लेते हैं कि वो नंबर हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस, ठीक है क्या? लेट द डिजिट, ठीक है क्या? ये पांचवा वाला सवाल है, ठीक है, डिजिट एट टेंथ प्लेस बी एक्स, ठीक है क्या? द डिजिट एट वन प्लेस बी वाई। तो नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसी दिख रही होगी मेरे को, इसको मैं रफ में लिख कर रखूंगा, ठीक है क्या? एक्स वाई, ठीक है क्या? देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स वो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई, ठीक है ऐसा, ठीक है बात, अच्छा। और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के बाद उस नंबर की जो वैल्यू होगी, ठीक है क्या, व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इसका मतलब क्या हो रहा है? जब हम लोग उस नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में से, ठीक है क्या, ओरिजिनल नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में से जब हम लोगों ने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 63 को जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिवर्स नंबर मिल रहा है, ठीक है। अभी ये चीज मेरे पास रफ में लिखी हुई है, ठीक है क्या? अभी देखो मैं कैसे करूंगा इसको इंग्लिश स्टेटमेंट में, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कैसे करूंगा, ठीक है क्या? इसको तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर कितनी हो जाएगी अपने पास 10x प्लस वाई, ठीक है क्या? इस चीज की, इस रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी बैठेगी 10x प्लस वाई, और वैल्यू ऑफ रिवर्स नंबर, ठीक है क्या, वो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो नंबर में डिजिट्स अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है क्या? सवाल का अगर तुम लैंग्वेज अगर पढ़ो, यहाँ देखो लिखा है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है क्या, फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका मतलब क्या कि जैसे अगर 63 है तो 36 बन जाता है, ऐसा इस टाइप का। तो इसका मतलब ये नंबर रिप्रेजेंटेशन अगर ओरिजिनल नंबर की है तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 63, ठीक है क्या, After subtracting 63, तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर कैसा दिखाई पड़ेगा तुमको, yx टाइप का दिखाई पड़ेगा। और yx टाइप के नंबर की रिप्रेजेंटेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी तुम्हारे पास 10y plus x बनेगी, ठीक है बात, ऐसा। ओरिजिनल नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है अपने पास 10x plus y बन रही है, ठीक है बात, अच्छा। तो अब ठीक है क्या, गिवन में तुम्हें ऐसा लिखोगे, ठीक है बात, इस चीज को हटा लेते हैं, इस चीज को हटा लेते हैं अपन यहां से,
जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से अगर 63 अगर चला जाता है तो अपने पास रिवर्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये इक्वेशन में ये बात ध्यान में रखना, एक्स वाई और वाई एक्स मैं यूज नहीं कर रहा हूं। अगर एक्स वाई और वाई एक्स अगर मैं इस्तेमाल करने लगा, एक्स वाई ठीक है क्या, माइनस 63 इक्वल्स टू वाई एक्स, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 63 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ठीक है क्या, तो वो पूरा कचरा मच जाएगा। तो ये चीज मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर वन। और इसके बाद देखो उसने एक इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है इसीलिए उसको दो इक्वेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स उसने कितना दे रखा है हम लोगों को, उसने दे रखा 18। इसका मतलब उसने बता रखा है कि एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, 18, ठीक है क्या। तो दूसरा जो गिवन में इक्वेशन तुम बनाओगे वो होगा एक्स वाई इक्वल्स टू 18, ये चीज आ जाएगी अपने पास, ये दो इक्वेशन अपने पास बन जाएंगे, ठीक है। बात दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है बात, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स नंबर, ठीक है बात। और ओरिजिनल नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास रिवर्स नंबर आता है, 63, ठीक है। और दूसरी चीज तो एकदम डायरेक्टली दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। इन दोनों एक्सप्रेशंस की मदद से हम लोगों के पास एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। इसका मतलब एक्स और वाई अगर आ गया अपने पास तो उसमें डिजिट एट टेंथ प्लेस वो चीज कितनी हो जाएगी, एक्स, और डिजिट एट वंस प्लेस कितना हो जाएगा, वाई। इसका मतलब जैसे अगर एक्स की वैल्यू आई 6 और वाई की वैल्यू आई 3, देन द नंबर वुड बी 63 नॉट 36, ठीक है क्या। जो बेहोश आत्माएं हैं, ठीक है, जो लोग बिल्कुल ठीक है क्या सन्नाटे में रहते हैं, उन लोगों को इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है क्या, कि ओरिजिनल नंबर को अगर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 6 आई है और वाई की वैल्यू 3 आई है तो ओरिजिनल नंबर 63 होगा, ठीक है क्या। हम लोगों ने क्या माना है कि डिजिट एट टेंस प्लेस हम लोगों ने कितना माना है, एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम 6 रखोगे, ठीक है, यहाँ पर तुम एक्स को रखोगे जो भी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर तुम वाई को रखोगे। डिजिट एट वंस प्लेस हम लोगों ने कितनी मानी है, वाई, ठीक है। तो इस चीज को किस तरीके से लिखना है ये अभी मैंने समझाया है। एक और सवाल मैं इस जैसा ही और तुम्हें करके दिखाता हूँ, ताकि बाकी के जो रिमेनिंग सवाल हैं, ठीक है, वो तुम करके दिखाओ, उसके बाद आज का हम लोग काम अपना ओवर करेंगे, ठीक है। उसमें तुम अपना होमवर्क ये टू डिजिट प्रॉब्लम्स तक अपना करके फिर मेरे को भेजोगे यहाँ तक, ठीक है। पहले तो एक तो डायरेक्ट सवाल, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक के ये 10 सवाल, ये पूरे के पूरे, ठीक है। अच्छा, तो 9th वाला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें देखो लिखा है एक टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस नंबर को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां अगर तुम देखो सवाल को क्यों ना पिक कर लिया जाए, ठीक है, यहां इसको उतार लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओ यार तो जाने देते हैं। यहाँ देखो अपने पास लिखा हुआ है सवाल में, मैं उसी के ऊपर ही सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक टू डिजिट नंबर है तुम्हारे पास, तो उसमें मैं स्टेटमेंट तुम्हें बोलता जाता हूँ, उसे तुम लिख लेना, ठीक है। टू डिजिट नंबर को सबसे पहले क्या बोलोगे उसमें, लेट सबसे पहले तो ऐसा लिख के दिखाना, डिजिट एट टेंस प्लेस, ठीक है, डिजिट एट टेंस प्लेस कितना ले लोगे, एक्स, ठीक है, और डिजिट एट वंस प्लेस वो चीज हो जाएगी अपने पास कितनी, y, नंबर रिप्रेजेंटेशन, यानी हम लोगों ने कैसा माना, x y, ठीक है। के बाद अब उसमें दे रखा है अ टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर तुम गिवन करके ये चीज लिखना, गिवन टू डिजिट नंबर की जो वैल्यू है यानी कितनी, 10x plus y, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ऐसा सम ऑफ डिजिट्स तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x plus y, और ओरिजिनल नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास, टू डिजिट नंबर इसका मतलब ओरिजिनल नंबर की वैल्यू, ठीक है, वो है 5 गुना, किसका 5 गुना, सम ऑफ डिजिट्स का, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था टाइप 2 के जो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे तुम कन्वर्ट करोगे, जैसा अंग्रेजी में लिखा है वैसी का वैसी हूबहू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी तुम वैसी का वैसी बना दो, ठीक है। बात तो देखो जैसे यहाँ टू डिजिट इज
टू डिजिट नंबर इज, तो यहाँ देखो ये टू डिजिट नंबर है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर इज, इसका मतलब इक्वालिटी, ठीक है, इज फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स, टाइम्स का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, बात ऐसा, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर वन, ऐसा। अब देखो इक्वेशन नंबर टू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास लिखा है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है क्या, यानी वो जो टू डिजिट नंबर है वो किससे बड़ा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से, यानी कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ये रहा मेरे पास और वो जो ओरिजिनल नंबर है वो ये रहा मेरे पास, ठीक है, ओरिजिनल नंबर बड़ा है इससे, ठीक है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से, और कितने से बड़ा है, फाइव मोर देन, यानी ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इस चीज को वापस से एक बार देख लो, जो ओरिजिनल नंबर है वो किससे बड़ा है तुम्हारे पास, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज नथिंग बट टू एक्स वाई, तो इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी इज वॉट, फाइव, ठीक है, बात ऐसा। ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, दो वेरिएबल है, इसकी मदद से तुम एक्चुअल में चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट सॉल्व अभी हम लोगों को नहीं करना है, तुम्हारा आज का होमवर्क बहुत ही कम है, सिंपली तुम्हें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें वेरिएबल्स के जो स्टेटमेंट है कि वो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है वो लिखना है, और बस तुम्हें जो अपना एक्सप्रेशंस है, ठीक है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, वो बस बनाकर मुझे भेजने, ठीक है, के बाद तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस के 15 सवाल और उसके बाद फिर टू डिजिट प्रॉब्लम्स के 10 सवाल, ये आज का तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है बा, तो अभी हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है क्या, इसके आगे हम लोग एज रिलेटेड सवाल और फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले सवाल वो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।